गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम आ गए हैं आप सभी लोगों के लिए एक और यूनिक स्टेकेशन ब्लॉग लेकर। तो गाइज, अभी भी हम वीकेंड प्लान करते हैं तो हमारे सभी के माइंड में 2 से 3 लोकेशंस आते हैं, जैसे कि लोनावाला या फिर कर्जत। बट क्या आपको पता है कि मुंबई के 100 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ही बहुत सारे डिफरेंट और यूनिक प्रॉपर्टीज़ है। तो नेक्स्ट 2 डेज हम स्पेंड करने आए हैं ऐसी ही एक यूनिक प्रॉपर्टी में, जिसका नाम है अंचाविओ और ये लोकेटेड है वाड़ा में, जो कि मुंबई से सिर्फ 90 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो बाकी के सारे डिटेल्स आप सभी के साथ शेयर करने से पहले चलिए क्विकली मैं आपको रूम टूर दे देती हूँ। तो गाइस, हमने यहाँ पर जो रूम बुक किया है उसका नाम है ए रूम और ये डुप्लेक्स है। नीचे हॉल है और ऊपर हमारा बेडरूम है। तो चलिए हॉल से शुरुआत करते हैं। सो एंटर करते हैं। यहाँ पर उन्होंने सिटिंग अरेंजमेंट के लिए 2 चेयर रखे हैं, काफ़ी कंफर्टेबल चेयर है और एक छोटा सा टेबल है जहाँ पर मे बी आप बैठ के चाय कॉफ़ी पी सकते हो या फिर अपना काम कर सकते हो। उसके ठीक पीछे एक कबर्ड है। कबर्ड के ठीक पास में उन्होंने एक और स्टोरेज यूनिट दिया है जहाँ पर आप अपना काफ़ी सारा सामान रख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर डेकोरेटिव कुछ आइटम्स रखे, जैसे कि ये मिरर, ये व्हील है एक छोटा सा वुड का। स्टोरेज यूनिट के ठीक ऊपर एक लैम्प भी है। तो यहाँ पे डेकोरेशन उन्होंने बहुत अच्छा किया है, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा है। जो लैम्प मैंने आपको दिखाया वो उसमें बर्ड्स है, तो ये जो रिसोर्ट है उसके लोगों में भी बर्ड है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छे से बनाई है। साइड में यहाँ पर एक छोटा सा रेफ्रिजरेटर है, लगेज रखने के लिए है। ये संदूक मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, ये वुड का संदूक है पूरा। यहाँ पर भी आप अपना सामान रख सकते हो। फिर उसके साइड में एक टेबल है, उसके नीचे उन्होंने काफ़ी सारे ड्रॉर्स दिए हैं और ऊपर ग्लासेस है, कप है और चाय कॉफ़ी का सारा सामान है। एक और चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, वो है ये पानी का कूलर। यूजुअली हम जब भी रिसोर्ट में जाते हैं तो हमें 2-3 बॉटल्स मिलती है या फिर मिनरल वाटर मिलता है। यहाँ पे उन्होंने पूरा एक कूलर रखा हुआ है, तो आपको जितना पानी चाहिए आप आराम से पी सकते हो। और यहाँ पे ऑप्शंस भी है, गर्म पानी, ठंडा पानी या फिर आपको नॉर्मल टेम्परेचर में चाहिए तो। काफ़ी स्पेशियस वॉशरूम है। यहाँ पर उन्होंने एक रैक रखा हुआ है जहाँ पर सारे टॉवल्स, आपका बाथरूम, वो सारी चीज़ें हैं। फिर ये शावर एरिया भी उन्होंने बहुत बड़ा बनाया और सारी टॉयलेटरीज यहाँ पर उन्होंने प्रोवाइड की है। उसके बाद वहाँ पे एंड में जो है वो वॉशरूम है। सो गाइस, ये है हमारा बहुत ही यूनिक और डिफरेंट बेडरूम। ऐसे बेडरूम में तो हमने कभी भी स्टे नहीं किया। सबसे बेस्ट पार्ट मुझे यहाँ का ये लगा कि ये बड़े बड़े जो ग्लास विंडोज़ है, यहाँ पर व्यू बहुत अमेजिंग आएगा। रात को आपको मस्त स्टार्स दिखेंगे, अभी भी सनसेट होते हुए दिखेगा। तो ये बहुत अमेजिंग पार्ट है। यहाँ पर उन्होंने बेड नहीं रखा है, सीधा मैट्रेस दिया हुआ है और उसके दोनों साइड पर एक छोटे छोटे टेबल है जहाँ पर एक साइड पर टिश्यू बॉक्स रखा है और एक साइड पर उन्होंने फ़ोन दिया है और उसके साथ साथ वाईफाई भी है। और गाइस, ऊपर के फ्लोर पर एक बालकनी भी है और उस बालकनी को कनेक्ट करता है ये ब्रिज। और यहाँ से व्यू है हमें पूरा रिवर का, वैतरना रिवर का। गुड मॉर्निंग गाइज, आप सभी लोगों ने कल का सनसेट देखा है कि कितना ज़्यादा सुंदर था। आज अभी नेक्स्ट मॉर्निंग है और हम सुबह जल्दी उठ गए थे रेडी होने के लिए। तो हमने देखा कि हमारे कैबिन से जो पूरा रिवर का व्यू है वहाँ पे अमेजिंग व्यू दिख रहा था, पूरा फॉग से कवर्ड था। अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट का टाइमिंग यहाँ पर 7:30 to 10 AM है और यहाँ पे टोटल 2 रेस्टोरेंट है। एक में आपको प्योर वेजिटेरियन मिलता है और दूसरे में नॉन वेज भी मिलता है। और हमारा जो पूरा फूड का पैकेज है वो रूम के कॉस्टिंग में इंक्लूडेड है, जिसमें हमें ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर मिलेगा। सो गाइस जहाँ पे हम लोगों ने अभी ब्रेकफास्ट किया वो प्योर वेज रेस्टोरेंट है और उसकी आगे थोड़ा टेंच करके रेस्टोरेंट है जहाँ पे आपको नॉनवेज भी मिलेगा। तो अगर आपको नॉनवेज खाना है तो वहाँ पे जा सकते हो, बट उसका जो कॉस्ट है वो रूम में इंक्लूडेड नहीं है। आई थिंक जब आप रूम बुक करोगे ना तो आपको मील प्रेफरेंस वो पूछेंगे कि आपका वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन। तो नॉन वेजिटेरियन होगा तो टिंज में जा सकते हो, और वेजिटेरियन होगा तो बोगनविल। उसका कॉस्टिंग थोड़ा एक्स्ट्रा रहेगा, हाँ थोड़ा ज्यादा होगा उसका कॉस्टिंग। और गाइस यहाँ पे जो रूम्स है वो काफी डिफरेंट टाइप्स के, जैसे हम लोग का ए रूम है जो आपको मैंने दिखाया, वैसे ही यहाँ पे हेक्स रूम है, देखो आप ये देख सकते हो। तो ये रूम है और ऐसा उन्होंने ब्रिज डाला है यहाँ पे, और उधर जाके आप बैठ सकते हो, ब्रेकफास्ट कर सकते हो सुबह। तो ऐसे काफ़ी डिफरेंट टाइप की रूम है। आगे जाके आपको बताऊंगा मैं, पिरामिड रूम है, उसके बाद में बैरल रूम है। तो आपका जैसा बजट है आप वो हिसाब से रूम सिलेक्ट कर सकते हो। सो गाइज ये वो पिरामिड रूम है और ये बैरल रूम है। बैरल रूम मस्त है एकदम, वहाँ पे स्लाइड भी है, तो सीधा उनको प्राइवेट पूल भी दिया है, तो सीधा वो स्लाइड प्राइवेट पूल में जाता है। ये जो पूरा रिसोर्ट है वो 150 एकर्स में फैला हुआ है और पूरा प्रॉपर फॉरेस्ट एरिया है। उन्होंने मेंटेन बहुत अच्छे से किया है। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने प्लास्टिक का यूज़ बहुत ज़्यादा कम किया है और ट्राई किया है कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली सारी चीज़ें यूज़ करें। और जो डेकोर है वो भी ऐसे टेराकोटा का है, फिर बहुत ज़्यादा प्लांट्स यूज़ किए उन्होंने, बहुत ज़्यादा मिट्टी से बनी हुई चीज़ों को यूज़ किया है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और वुड का भी उन्होंने यूज़ अच्छा किया है। ये देखो ऐसी बहुत सारे स्टोन्स की मूर्तियां हैं भगवान की, शंकर भगवान की, गणपति बापा की है। ये जियोडेसिक रूम है और इसको प्राइवेट पूल भी है और सामने रिवर है। जो ये सारी ट्रीज देख रहे हो ये मैंगो और चीकू के। दोपहर के टाइम पे ये जगह बहुत अच्छा है क्योंकि कम्प्लीटली ठंडा है और सब जगह पे शैडो है और छोटे छोटे झूले भी लगे, तो आप यहाँ पे आराम से टाइम स्पेंड कर सकते हो। ये मैंगो का झाड़ है, यहाँ पे मैंगो का मोहर आ गया है, तो जल्दी मैंगोज आएंगे। यहाँ पे चिक्कू छोटे छोटे आ चुके हैं, झूले लगाए यहाँ पे, जो किंजल बैठ गई चांस मिलते ही। सोसाइटी में खेलने नहीं देते ना झूले में, यहाँ पे भी खेलना नहीं चाहिए, तेरे वजन के हिसाब से वो फांदी टूट जाएगा। कुछ भी बोल रहे हो यार, अरे अभी उतरने नहीं हो रहा। ये बच्चों के लिए, तो मैं भी तो बच्ची हूँ। एकदम डेंजर हो आप। हाँ अभी अरे कर मैं नहीं खड़ी रह रही, मेरे को चक्कर आ रहा है। ये तेरी मेरे को भी चक्कर। तो ये बच्चों के लिए एक्टिविटी एरिया है। यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे डिफरेंट टाइप के स्लाइड्स रखे हैं, फिर स्विंग्स रखे हैं, आउटडोर जिम भी है, तो बच्चों को यहाँ पे बहुत मज़ा आएगा। साइकिल तेरे लिए छोटा नहीं है? नहीं बराबर है, मज़ा आ रहा है चलाने को। रिसोर्ट बहुत बड़ा है, हम लोग चल चल के थक गए, तो हमने साइकिल से एक्सप्लोर कर। सो ये टपरी एरिया है जहाँ पे शुगर केन जूस, गोला वगैरह सारी कुछ चीज़ें मिलती है। तू क्या लेगी? मैं शुगर केन, कटिंग चाय, फिल्टर कॉफी, कोकोनट वाटर, सारी चीजें। बट वो शाम को 4 बजे के बाद, मतलब चाय का जो टाइम होता है ना, अच्छा उस टाइम 4 से 6 बजे के बीच में सब मिलता है। वड़ा पाव, भजी, आलू चाट, ये सारी चीजें मिलती हैं। ये हम लोग बचपन में बहुत खाते थे, पार्ले का चॉकलेट और वो फैंटम भी। और ये फैंटम, ये सिगरेट है। इनका एक्टिविटी एरिया काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे टेबल टेनिस है, फिर वहाँ पे आप आर्चरी वगैरह कर सकते हो, और ये यहाँ पे आप बुक्स वगैरह पढ़ सकते हो, बोर्ड गेम्स है, डीवीडीज़ भी है। वहाँ पे आप PS4 वगैरह भी खेल सकते हो, वीडियो गेम्स वगैरह, इंडोर एकदम अच्छा। और ये पूल टेबल है, कैरम टेबल है, और वहाँ पर फुटबॉल टेबल है। हम लोग प्रॉब्ली अभी कैरम खेलेंगे क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा धूप है अभी। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, साइकिल्स के साथ साथ उन्होंने बगी भी रखा है। मतलब आपके साथ सीनियर सिटीज़न है तो उनको साइकिल चलाने भी नहीं होता और ज़्यादा चलने भी नहीं होता है, तो उनके लिए काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है। कुछ देर हमने इंडोर गेम्स खेले और बहुत ज़्यादा हमने एंजॉय किया। गेम रूम को उन्होंने बहुत अच्छे से मेंटेन किया है। अभी हम लंच करने के लिए सेम रेस्टोरेंट में आए हैं जहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया था, और इस रेस्टोरेंट में उन्होंने कैसे रैंप लगाया हुआ है जहाँ से व्हीलचेयर वाले भी ईजिली इस रेस्टोरेंट को एक्सेस कर सकते हैं। और इनफैक्ट पूरे रिसोर्ट को उन्होंने उस तरीके से डिज़ाइन किया है कि व्हीलचेयर से आसानी से आप एक्सेस कर सकते हो पूरे रिसोर्ट को, तो ये बात हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। सो सूप में टोमेटो सूप है, और स्टार्टर में हमने ऑर्डर किया है ये पापड़ी चाट और उसके साथ हनी चिली पोटैटो। तो गाइस लंच करने के बाद में हम लोग थोड़ी देर के लिए सो गए थे, अच्छे से रेस्ट हुआ हम लोग का। हाँ। आज नीचे अभी थोड़ा बाहर जाके आते। कल बहुत अच्छा सनसेट हुआ था और आज भी स्काई एकदम क्लियर है, तो आज का सनसेट भी बहुत अच्छा होने वाला है। यहाँ पर काफ़ी सारे वाटर एक्टिविटीज़ है, तो हम सोच रहे कि उसमें से एक आधा कुछ ट्राई करेंगे या फिर सिर्फ बोटिंग के लिए जाएंगे, क्योंकि हमें सनसेट मिस नहीं करना है। और यहाँ से हमारे रूम से ऐसे डायगनली ऐसे सनसेट होता है, तो कल तो हमने हमारे टेरेस से ही देखा था। यहाँ पे जितने भी वाटर एक्टिविटीज़ है उसमें कायाकिंग, साइकिलिंग, ये सारी चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री है। जो चार्जेबल है वो है मोटर बोट राइड। सनसेट अभी हो चुका है, हमें लकीली दोनों दिन पे भी सनसेट बहुत ज़्यादा खूबसूरत देखने मिला। वैसे तो ऑलमोस्ट यहाँ पर समर शुरू हो चुका है, बट यहाँ पे सनसेट के बाद काफ़ी वेदर ठंडा हो जाता है, क्योंकि उन्होंने रिसोर्ट में काफ़ी पेड़ रखे हुए हैं और उसके साथ अंधेरा होने के बाद रिसोर्ट लिटरली लिटअप हो जाता है। इतने सारे लाइट्स उन्होंने यहाँ पर लगाए। उसके साथ साथ कॉमन एम्यूनिटीज़ में एक ओपन थिएटर है, जहाँ पर एवरी नाइट एक मूवी प्ले किया जाता है, जहाँ पर हम भी मूवी देखने जाएंगे। उसके बाद जिम है, स्पा है, एक कॉमन पूल है। आपने ऐसा कोई रूम बुक किया है जहाँ पे प्राइवेट पूल नहीं है तो आप वो कॉमन पूल यूज़ कर सकते हो। गाइज इट्स टाइम टू चेक आउट। हम लोग यहाँ पे 2 नाइट्स के लिए आए थे। हमारा स्टे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल था। प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छा लगा हमें, क्योंकि इतना बड़ा प्रॉपर्टी यूजुअली मेंटेन नहीं होता है, बट उन्होंने काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया है। और जितना इको फ्रेंडली है उतना ही रिसोर्ट अंदर से लग्जरियस भी है, तो ये बेस्ट पार्ट लगा। तो हमारा स्टे तो कोलैबोरेशन में था, बट अगर आप यहाँ पर आने के लिए प्लान कर रहे हो तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ रूम्स है, जैसे हमने पहले वीडियो में बताया था। और जो बेस कैटेगरी स्टार्ट होता है और जो बेस कॉस्टिंग है वो 8,500 है, जिसमें मील्स और टैक्सेस इंक्लूडेड नहीं है। आपको इस स्टेकेशन के बारे में कोई भी क्वेश्चंस या डाउट्स रहेंगे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई होप आपने हमारा ये स्टेकेशन वीडियो एंजॉय किया होगा। अगर किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अमेजिंग स्टेकेशन वीडियोज़ के लिए। बाय वंडर्स।